वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लो रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोबेंजीन एज कंपेयर टू क्लोरोएथीन. फॉर एग्जांपल, दिस क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन मिथाइल क्लोराइड. लो रिएक्टिविटी का क्या मीनिंग है? देखिए, क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी मिथाइल क्लोराइड से कम है. दैट मीन्स इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक this carbon chlorine bond as compared to this carbon chlorine bond in methyl chloride. So, जब रिएक्शन होगी तो दोनों कंपाउंड में ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा. नाउ क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव, मीन इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड दिस वन एज कंपेयर टू this carbon chlorine bond in methyl chloride. That means the bond between carbon and chlorine in chlorobenzene is stronger than the bond in methyl chloride. So, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों. So, first reason is resonance. Resonance में क्या है ये हम यहाँ देखेंगे. क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लोरीन एटम के ऊपर तीन लोन पेयर्स हैं. देखिए, सो वन ऑफ द लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड इनटू द रिंग और ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ये सिंपली सिंगल बॉन्ड नहीं है. कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है दिस इज नॉट सिंपल सिंगल बॉन्ड बट इट इज मोर देन अ सिंगल बॉन्ड. अब यहाँ पे एक बात मैंने बोली, इट इज मोर देन अ सिंगल बॉन्ड. व्हाट इज मीन? देखिए, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड हम समझते हैं फोर. अब हमने पढ़ा है सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड इज अ फोर्स, डबल बॉन्ड इज अ फोर्स. सिंगल बॉन्ड मीन्स दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोई. डबल बॉन्ड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज मोर देन सिंगल बॉन्ड. मान लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड में फोर्स है 5 और डबल बॉन्ड में फोर्स है बिटवीन टू एटम्स 10. क्वांटिफाई कर रहा हूँ. सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी समवेयर बिटवीन 5 एंड 10 के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है और यही चीज़ हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. सो रेजोनेंस क्या है इसके बारे में अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे. देखिए, now one of the lone pair is delocalized into the ring. Delocalization का मतलब देखिए क्या है कि हमारा बेंजीन रिंग है यहाँ पे, इसका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर देखते हैं. अगर मैं इसको वन कहूँ तो जैसे कि मैंने ऊपर रिप्रेजेंट किए हैं एटम्स, 7 एटम्स, देन देर इज पाई बॉन्ड बिटवीन 1 एंड 2 एटम, देन देर इज पाई बॉन्ड बिटवीन 3 एंड 4, देन 5 एंड 6. दैट मीन्स कि 1 एंड 2 के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग है, 3 एंड 4 के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग है एंड देन 5 एंड 6 के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग है. ये तो फिर बेंजीन की बात. क्लोरोबेंजीन में जब क्लोरीन यहाँ पे लग गया तो यहाँ पर क्लोरीन के एटम्स, लोन पेयर के जो एटम्स हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑर्बिटल. नाउ दिस ऑर्बिटल विच कंटेन्स द लोन पेयर ऑफ क्लोरीन एटम नाउ अंडरगोज ओवरलैप विद द
sp2 unhybridized orbital of carbon atom, which forms pi bond. Now these electrons of lone pairs present on chlorine are delocalized into the acid. फिर डीलोकलाइजेशन से क्या हुआ, ओवरलैप हो गया कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में. जैसे कि पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, वैसे ही यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई. दैट मीन्स ओवरलैपिंग हो गई, दैट मीन्स कार्बन क्लोरीन के बीच में एक और बॉन्ड बन गया. एक सिंगल बॉन्ड तो है ही यहाँ पे, ठीक है, बट एक और बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई. ये बॉन्ड जस्ट लाइक पाई बॉन्ड की तरह है, और यही पाई बॉन्ड जो है इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे जो ऊपर स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं इसमें. तो देखिए, अब हम यहाँ पे वन और टू के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको कि मैंने ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया है. हम क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम वन टू टू. दैट मीन्स कि दोनों ऑरेंज इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे शो किए हैं, ये मैंने एक किस साइड को आ गए, ये आ गए कार्बन एटम नंबर टू. बाकी बॉन्डिंग में कुछ नहीं होगा, वो हमने नहीं चेंज करनी है, उसको ऐसा ही बना देंगे हम. तो दो लोन पेयर क्लोरीन के ऊपर है सच हैं, फाइव और सिक्स एटम्स के बीच में बॉन्ड है सच रहेगा, थर्ड और फोर्थ के बीच में है सच रहेगा. इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उनको मैं ऑरेंज कलर से बताता रहूंगा यहाँ पे. अब देखिए कि यहाँ पर मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया फ्रॉम कार्बन एटम नंबर वन टू कार्बन एटम नंबर टू. इस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए टू इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम नेगेटिव या एक डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. अब कार्बन एटम नंबर टू के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया कार्बन एटम नंबर वन का, इसलिए कार्बन एटम नंबर टू के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज. अगेन समझ लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को डैश, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है किसी एटम के पास तो नेगेटिव चार्ज आ गया, उसको एनसर्कल कर. इस प्रोसेस में कार्बन एटम नंबर वन का इलेक्ट्रॉन टू पे चला गया, तो कार्बन एटम नंबर वन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इसके ऊपर कैसे चार्ज आ गया, प्लस आया, ये लिखा मैंने साइड में. बट यहाँ पर जो क्लोरीन एटम है, जो यहाँ पर क्लोरीन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन जो है, इसके द्वारा से मैं बनाऊँ, क्लोरीन के ऊपर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स हैं. तो क्लोरीन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम नंबर वन को दे दिया. जब कार्बन एटम नंबर वन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया. तो इस तरह से आपने ये देख लिया कि कार्बन एटम नंबर वन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म हुआ, क्लोरीन ने अपना ये ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जिसमें मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया, इसको कार्बन एटम नंबर वन को दे दिया. तो अब देखेंगे यहाँ पर हम कि आपके, तो मैं ऐसे शो करूंगा. नाउ अब क्लोरीन एटम के ऊपर क्या सिचुएशन बनी, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से दो तो ऐसा हैं, और एक पेयर का एक इलेक्ट्रॉन हमने कार्बन एटम नंबर वन को दे दिया. इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि कार्बन एटम का जब ग्रीन वाला ये इलेक्ट्रॉन चला गया लोन पेयर वाला एक, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब नाउ क्लोरीन हैज वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन हैज गॉट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो बोथ विल फॉर्म
a bond. And they will share one electron each. So yahan par hum kya dekh rahe hain, carbon atom number 1 and chlorine ke beech mein yahan par double bond aa gaya. Kya hua, ye jo lone pair hai chlorine ke upar, is ye delocalize ho gaya ring mein. Dekhte hain yahan pe carbon atom number 2 ne negative charge acquired kar liya hai. Ab hum kya karenge next structure mein, dekhiye ye delocalization hai, yahi pe stop nahi hogi, it will proceed further. So carbon atom number 3 se hum arrow lagayenge carbon atom number 4. Baki mein aisi situation as such rahegi, to bonding hum as such show karenge. Yes, carbon chlorine ke beech mein jo green bond hume dikh raha hai wo aise bana do. Iske upar positive charge hai, wo as such rahega. Now, jab 3 aur 4 ke dono electron kahan pe chale gaye, 4 ki or arrow laga hai, to 4 carbon atom number 4 ke upar aa gaya negative charge. अब ये नेगेटिव चार्ज आना है कार्बन एटम नंबर 4 पे. सो एरो जिस स्ट्रक्चर पे लगता है उसका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम शो करते हैं. तो कार्बन एटम नंबर 4 के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज. क्यों आया ये नेगेटिव चार्ज, आई विल अगेन एक्सप्लेन. Both these orange electrons, they are acquired by now carbon atom number 4. ये देखिए, इसके ऊपर आ गया negative charge, जिसको कि मैंने ऐसे show कर दिया. Third का electron 4 पे चला गया, third के ऊपर आ गया positive charge. लेकिन सेकंड के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में से एक थर्ड को दे दिया सेकंड ने, दोनों के बीच में क्या बन गया, यहां पे बॉन्ड बन गया. नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आइए. जिन बॉन्ड्स को कुछ नहीं होना है वो ऐसे बना देने हैं हमने ऐसे. और फिफ्थ कार्बन एटम से हम पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देंगे सिक्स के ऊपर. ये फिफ्थ के ऑरेंज इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए, सिक्स के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, डैश लगा दीजिए दो इलेक्ट्रॉन के लिए. सिक्स के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इट रिक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. बट इन दिस प्रोसेस कार्बन एटम नंबर फिफ्थ हैज एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज. कोई बात नहीं, फोर्थ के पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो एक तो इसने अपने पास रखा और एक इसने फिफ्थ को दे दिया. दोनों के पास एक ही कंपेयर इलेक्ट्रॉन आया और फिफ्थ का पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो गया और दोनों ने शेयर कर लिया और उनके ऊपर क्या आ गया, उन दोनों ने एक पाई बॉन्ड बना दिया है. नाउ अब चलेंगे हम कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड. कार्बन क्लोरीन के बीच में जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट करेंगे हम क्लोरीन की साइड को. क्लोरीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. क्यों, क्योंकि दोनों ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने, जैसे कि एक क्लोरीन ने कार्बन को दिया था कार्बन स्ट्रक्चर नंबर 2 में, ठीक है, वो वापस क्लोरीन को मिल गया. इसके जो लोन पेयर है वो रिस्टोर हो गए तीनों के तीनों, ठीक है. जिन बॉन्ड्स को कुछ नहीं होना है वो कौन कौन से हैं, दिस वन एंड दिस वन. अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि जब क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, ठीक है, तो कार्बन एटम नंबर 1 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. लेकिन सिक्स के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
सिक्स जो है वो एक अपना इलेक्ट्रॉन फर्स्ट को दे देगा और सिक्स के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। सो ये जो मैंने नीचे डीलोकलाइजेशन रिप्रेजेंट की थी क्लोरीन टू बेंजीन रिंग, वो हमने यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया, स्टेप वाइज उसको हमने शो किया। तो हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर वन टू थ्री फोर और फाइव की फॉर्मेशन हमने की। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। एंड इन फाइव स्ट्रक्चर्स में व्हाट वी सी दैट इन स्ट्रक्चर नंबर टू थ्री एंड फोर द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन इज डबल बॉन्ड। कैसा दिख रहा है हमें, डबल बॉन्ड। सो ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इन टू द रिंग, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों बोला मैंने, क्योंकि स्ट्रक्चर नंबर वन एंड फाइव में देर इज सिंगल बॉन्ड। सो द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर। सो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो हम यहाँ पर ये समझे कि कार्बन क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है इट इज नॉट अ सिंपल सिंगल बॉन्ड, इट इज मोर देन अ सिंगल बॉन्ड, और इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑफ मिथाइल क्लोराइड जिसमें कि ये सिंपल सिंगल बॉन्ड है। तो रेजोनेंस एक्सप्लेन्स वन रीजन व्हाई क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव, दैट मीन्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन। नाउ अब हम चलेंगे सेकंड रीजन, देखते हैं हम सेकंड रीजन क्या है कि क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मिथाइल क्लोराइड और एनी अदर क्लोरोएल्केन। यहाँ पे हम ध्यान देंगे इनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर। क्लोरोबेंजीन का जो कार्बन एटम है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड कार्बन एटम ऑफ मिथाइल क्लोराइड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर s कैरेक्टर ज़्यादा है क्लोरोबेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर 25% है और यहाँ पर 33%। सो ड्यू टू दिस द साइज ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर इस ऑर्बिटल का साइज क्या है, स्मॉल है और इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको मैं लूँगा लार्ज। स्मॉलर ऑर्बिटल होगा तो जो बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की ये वाली, ये स्मॉल होगा बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा कार्बन क्लोरीन का ये वाला बॉन्ड ये थोड़ा बड़ा होगा, और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज तो वेरीफाई करती है कि ये बॉन्ड 169 है और ये वाला बॉन्ड 177 पाइकोमीटर्स। तो बॉन्ड लेंथ कम है दैट मीन्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ज़्यादा हैं और बॉन्ड को ब्रेक करना क्या है डिफिकल्ट है। सो दिस इज अवर सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन यहीं से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट इज पोलैरिटी। पोलैरिटी ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो जैसे मैंने बताया अभी कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है,
देखिए जो हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर s इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्या होगी sp2 की? हायर होगी एज कंपेयर टू sp3। यहाँ पर sp2 कम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? लोअर होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हायर। ठीक है। सो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड जो है यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा। दोनों सिचुएशन में डेल्टा नेगेटिव होगा क्लोरीन के ऊपर और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली यहाँ से, ये जो कार्बन है ये इसमें रिंग में ही है, मैंने बाहर बना दिया है, ये जो कार्बन एटम है ये इस अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन की तरफ को कम इसकी शिफ्टिंग होगी। दैट मीन्स के कार्बन के ऊपर क्लोरोबेंजीन में कार्बन के ऊपर क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर जो पॉजिटिविटी आएगी वो कम आएगी। तो पॉजिटिविटी कम है दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लो है और यहाँ पर क्या है? हाई है। तो न्यूक्लियोफाइल का टैग यहाँ पे फास्ट होगा और न्यूक्लियोफाइल का टैग क्लोरोबेंजीन के कार्बन के ऊपर क्या होगा? स्लो होगा। तो ये तीन रीजन है। नंबर वन रेजोनेंस के कारण कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स में आ जाता है, नंबर वन। नंबर टू ड्यू टू डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन द साइज ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज स्मॉलर, so this bond length is smaller, so it is difficult to break the carbon chlorine bond in chlorobenzene. And third one is polarity. In chlorobenzene the positivity on carbon is lower because the carbon atom of the benzene ring is sp2 hybridized, so shifting of electrons from carbon to chlorine lower as compared to in the methyl chloride. So positivity less hai, so nucleophile ka attack yahan par kya hoga? Slow hoga. These are the three reasons which explain the low reactivity of chlorobenzene. Aaj ke session mein itna hi. Next mein milte hain naye topic ke saath. Thank you and have a nice day.